एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज है 4th of July और जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाले हैं, डेट डेफिनेटली पोस्टपोन नहीं होगी। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि आपका पब्लिक नोटिस रिलीज हो गया है। वैसे तो आप लोग देखें तो आपका सुबह के समय ही जो है वो नोटिफिकेशन एक बार आया था, कुछ बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी देख भी लिए थे, बट अब फाइनली आप लोगों की एग्जामिनेशन डेट आ गई है, नोटिस फाइनली रिलीज हो गया है जिसका मैं वेट कर रही थी। और फाइनली आप सभी लोगों को डेट्स बता देते हैं कि कौन से दिन कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं। सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो जो है वो होने वाला है 8 जुलाई से, और आपकी मर्ज्ड साइकिल के जो एग्जाम है वो जुलाई और अगस्त में होने वाले हैं। तो आप लोगों का जो सिटी अलॉटमेंट है वो 9th of July से डिस्प्ले कर दिया गया है, कब कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो डे 1 यानी 9 जुलाई को सैटरडे को आप सभी लोगों की कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं उसकी लिस्ट देख सकते हैं आप लोग। आर्कियोलॉजी हो गया, चाइनीज, क्रिमिनोलॉजी, है ना, ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा एग्जाम, या मैं कहूँ कि कोई एक बहुत बड़े पेपर जिसमें सबसे ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो फर्स्ट डे होने वाला है। सेम चीज अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का जो सेकेंड डे है यानी कि 11th of July, तो उस दिन भी आप लोगों का लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस और फिजिकल स्टडीज हम लोग देखें तो 2 बड़े एग्जाम्स हुए। इसके बाद में डे 3 में होने वाले हैं आपके काफी बड़े एग्जाम्स, जिसमें साइकोलॉजी आता है और जिसमें आता है होम साइंस, जिसके काफी बच्चे होते हैं, काफी एस्पिरेंट्स होते हैं। तो ये 3 दिन है जो आप लोगों का एग्जाम है, फिक्स हो चुका है एग्जाम डेट। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपकी जो बाकी बचे हुए एग्जाम्स हैं उनकी डेट भी बिल्कुल उन्हीं के पहले आने वाली है। तो 9, 11 और 12 ये जो 3 दिन है इनमें जिनके एग्जाम होने वाले हैं उनके एडमिट कार्ड सबसे पहले रिलीज हो जाएंगे। और अब बाकी सभी लोग ये इमेजिन करके चलिएगा कि जो आप लोगों का एग्जाम है वो ऑब्वियसली 12, 13, 14 अगस्त को ही होने वाला है। तो ये भी आप लोगों के लिए फिक्स हो गया है। तो एग्जामिनेशन डेट अब फिक्स हो गई है। अब डेफिनेटली ये चीज आप मान के चलिएगा, ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है। अगर आज को मैं इंक्लूड करूं तो आप लोगों के पास में टोटल 4 दिन बच गए हैं। तो इसमें जितना अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं उतने अच्छे से रिवाइज करिए, जो पढ़ा है बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ज्यादा आप मत सोचिए, ज्यादा नया पढ़ने का ना सोचिए, अपने पेपर 2 पर फोकस करिए क्योंकि वही आप लोगों को JRF दिला देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही गाइस, जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होंगे जरूर आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, साथ ही साथ अगर बाकी एग्जाम डेट्स भी आती है तो भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट सारे नोटिफिकेशन में आपको टाइम टू टाइम पहुंचा।